महाराष्ट्र से पहुंचे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आबू आसिम आजमी धरने पर बैठे अखिलेश यादव की रिहाई की मांग को लेकर हाईवे पर जाम लगाकर सरकार के खिलाफ लगाए नारे। पुलिस के आला अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर की मांग। सदर कोतवाली क्षेत्र के चौधरी सराय पुलिस चौकी चौराहे के पास का है पूरा मामला। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर कानून की व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो चुकी है। आज हालात ये हैं कि एक तरफ तो लॉ एंड ऑर्डर खराब है, दूसरी तरफ गरीबी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, तीसरी तरफ गंगा और जमुना में हमारे भाइयों की लाशें तैर रही और कुत्ते खा रहे हैं। इसलिए हमें इस सरकार को उखाड़ फेंकना है। मेरा संकल्प है कि मैं उत्तर प्रदेश के गाँव गाँव तक जाऊँगा और लोगों को तैयार करूंगा कि जो आज गांधी जी के कातिल को हीरो बनाना चाहते हैं, हम उनको हीरो बना देंगे उत्तर प्रदेश में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हटा देंगे। किसानों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। अगर आप इतिहास के पन्ने उठाकर देखेंगे, जब अंग्रेजों की सरकार थी तो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को बढ़ाने के लिए यहाँ के किसानों को बर्बाद कर दिया था और आज यही ये सरकार कर रही है। इस देश में दो अदानी और अंबानी को बढ़ाने के लिए ये लोग किसानों के साथ लगातार नाइंसाफी कर रहे हैं, कानून को खत्म नहीं कर रहे हैं। 9-10 महीने से दुनिया का सबसे